हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे सामहेंड मेकअप अकेडमी। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको हेयर कट की सारी वीडियो दिखा चुका हूँ। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फ्लिक्स, फ्लिक्स और फ्रिंजिस कैसे काटनी चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर कि अपने आप लड़कियाँ फ्रिंजिस काट लेती है आगे करके, तो मैं प्रॉपरली तरीके से आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपको फ्लिक्स काटनी है या फ्रिंजेस काटनी है तो कैसे आपको काटनी है। तो सबसे पहले तो स्प्रे से आपको बालों को अच्छे से गीला करना है। और फ्रिंजेस भी किसके काटते हैं, जिनका फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ब्रॉड मीन्स इंग्लिश का सब हिंदी में क्या आता है, ब्रॉड का बड़ा, ठीक है। जिनका फोरहेड बड़े होते हैं उनके लिए हम ये फ्लिक्स वगैरह और फ्रिंजेस वगैरह काटते हैं। तो यहाँ जो मेरे साथ क्लाइंट है उनका ना ही फॉरहेड पड़ा है, मगर मैं आपको समझाने के लिए आज उनके हेयर पे ये हेयर कट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि फ्रिंजिस और फ्लिक्स को कैसे काटना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्लिक्स, ठीक है, कि जब भी आपको फ्लिक्स काटनी है तो फ्लिक्स आपको कैसे काटनी है, ठीक है। तो फ्लिक्स काटने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको ये दो फिंगर रखनी है आईब्रो पे, ठीक है। ये दो फिंगर रखने के बाद आपको आईब्रो से इतने से बाल लेने हैं खाली, आपको ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको यू शेप पे बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये यू शेप पे जो बना हुआ आ रहा है, अब ये जो बाल है, ठीक है, बाल मीन्स जो हेयर है, अब ये वाले हेयर पे आपको फ्लिक्स काटनी है, ठीक है। तो फ्लिक्स कैसे काटेंगे आप, ये पूरे इकट्ठे नहीं काटने, इसमें से थोड़े से बाल लेने हैं, ठीक है। पहले आपको इतने से बाल लेने हैं, इतने से बाल लेके क्लाइंट से पूछना है जो इसकी स्टार्टिंग है वो नोज, लिप्स, चिन एंड नेक, ठीक है। जो सबसे शॉर्ट है वो कौन सी है, नोज, फिर लिप्स, फिर चिन, फिर नेक, ठीक है। तो जो हम काट रहे हैं वो हम काटेंगे लिप्स, तो हमने लिप्स पे रख दिया है। तो लिप्स पे रखने के बाद हमने अपने सीजर को ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले मैं आपको फ्लिक्स सिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसी में ही फ्रिंजेस, ठीक है। जो आपने फर्स्ट काटा था उन्हीं में बालों को लेकर आपको सीजर ऐसे चलाते हुए रहना है, ये आपका फ्रिंजिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लिक्स, क्या हो गया आपका फ्लिक्स। तो मैं आपको ये वाले हेयर जो है ड्रायर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ड्रायर होगा तो आपको पता चलेगा कि फ्लिक्स का लुक कैसे आता है, ठीक है गाइस। तो मैंने ये फ्लिक्स काट दी थी, ठीक है। अब इसको ड्रायर से सेट कैसे करना होता है, राउंड ब्रश होना चाहिए आपके पास, ठीक है। राउंड ब्रश और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, राउंड ब्रश को हमेशा चलाते रहना है, ना कि आपको रोकना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान ड्रायर रोका नहीं आपके बाल भी जल सकते हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान अच्छे से रखना है। और राउंड ब्रश वही चला है जिसको ये राउंड ब्रश चलाने आता है, नहीं तो इसमें बाल भी फंस जाते हैं, बहुत से केसेस ऐसे हो गए। ड्रायर कर दिया और ड्रायर करने के बाद जो लुक आने वाला है इसका, कुछ इस टाइप का आने वाला है, ठीक है।
ठीक है। और अगर अब ये जो हमने काटा था ये था हमारा फ्लेक्स, और अब हम इसी में करेंगे फ्रिंजेस, ठीक है। तो फ्रिंजेस के लिए क्या करना है, फ्रिंजेस के लिए हमें इसमें से थोड़े से बाल लेने हैं, इसको भी आपको अच्छे से स्प्रे करना है। ध्यान से देखना है आपको, इसको भी आपने अच्छे से वाटर किया, लेफ्ट राइट छोड़ देना है पहले, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ लाके मगर ये उन टेक्चरों पे होता है जिनका टेक्चर स्ट्रेट हो, ठीक है, और जिनका फॉरहेड ब्राउन हो, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना है आपको। देख लो मेरा राउंड रॉड क्या चल रहा है ड्रायर के साथ साथ, तो ऐसे ही चलना चाहिए आपका भी। तो इसमें आपको थोड़ी सी जो भी गलती होगी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लॉन्ग आ रहे हैं निकल के एक्स्ट्रा, उनको आपको कुछ नहीं करना, उनको ड्राई करने के बाद ठीक है। तो आपको ये मैंने सबसे पहले जो काटी थी वो फ्रिंज फ्लिक्स थी, और ये फ्रिंजिस है, तो आप देख सकते हो फ्लिक्स काटनी है तो पहले वाला पार्ट, और फ्रिंजिस काटनी है तो इसको ऐसे काटना है और ड्रायर से ऐसे स्ट्रेट करना है आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ भी सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये फ्रिंजिस है और इससे पहले वाली फ्लिक्स, ठीक है गाइस। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फ्लेक्स और फ्रिंजिस में क्या फ़र्क है और कैसे काटनी है। ओके गाइस।